नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल पहुंची हूं डाबड़ा गांव में, जहां कल जेजेपी के नेता यहां पर पहुंचे थे और पहुंचने पर गांव में इतना बवाल हुआ कि आज पंचायत रखनी पड़ी पंचायत, क्योंकि पहले से ही गांव के अंदर जोगीराम सिहा का या किसी भी जेजेपी या बीजेपी नेता का बहिष्कार कर दिया गया था। उसके बावजूद भी गांव में जेजेपी या बीजेपी के नेता को किसने बुलाया, इस बात को लेकर के पंचायत हुई थी। और आरोपी को क्या सजा दी गई है या क्या पूरा मामला था, ये जानेंगे पूर्व मंत्री कंवर पाल सिंह से। सर नमस्कार। सर किस मामले पे आज ये पंचायत रखी गई थी और क्या उसका फैसला हुआ, ये जानना। सुनने में प्रॉब्लम, हेड लगा रखे था, आवाज गूंजते बहुत ज्यादा। बोलिए। ये मैं बोल रही हूँ कि आज डाबड़ा गांव के अंदर किस बात पे पंचायत की गई और फैसला क्या रहा, पहले मुद्दा बताइए। मुद्दा ये था कि कल यहाँ जोगीराम आया था जी, और किसानों का फैसला है, सभी किसान यूनियनों का, कि किसी गांव में इनको जदपा और बीजेपी के विधायक या सांसद को घुसने दिया जाएगा। ठीक है। जोगीराम इस गांव में इसलिए आ गया, यूं समझ के कि ये पब्लिसाइज कर सके कि मैं फलाने गांव में गया था और दूसरे गांव में जाना, इसलिए गांव ने फैसला कर लिया है। सरपंच ने की गलती थी कि उसने बताया नहीं कि जोगीराम आया हुआ है, उसने इस गलती को माना, इसलिए उसको माफ कर दिया। उन्हें बुलाया किसने था गांव के अंदर, ये फैसला नहीं हो पाया किसी का, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तो क्या इस फैसले के लिए कोई कमेटी बनाई है? ये कमेटी बनाई थी हमने, देखी ये कहा कि इस बात को यही खत्म कर दो, आगे के लिए सबको वार्निंग दे दी कि कोई भी अगर बुलाएगा तो उसको 5100 रुपए जुर्माना होगा और उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे जी। ये सजा आगे के लिए निर्धारित की, आगे के लिए। ठीक है। आज इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर जो है आपके पंचायत में बात? पार्क का ही मुद्दा तो यही था पंचायत बुलाने का, एक ही हमारा पार्क है, इसका फैसला हुआ है कि इसके ऊपर ताला लगा देंगे, कोई आदमी इसको ताला खोलेगा तोड़ेगा नहीं, जिसकी जिम्मेवारी होगी ताला खुलवा के काम करेगा जी। उसके अंदर पशु बाहर देते हैं, वो गलत काम है, आदमी के लिए छोटा गेट है उसमें आदमी किसी कोई जाओ आ जाओ। धन्यवाद सर। इसके बाद अगला सवाल आपसे कि क्या लगता है कि नेताओं के गांव में आने से जेजेपी या बीजेपी के खासतौर से गांव में कहीं ना कहीं दोफाड़ हो रही है या भाईचारा वो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा जो आंदोलन है उसको बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव के कार्यकर्ता किसान आंदोलनकारी जब से दिल्ली में बैठे हैं, स्टार्टिंग से पहले दिन से हमारे साथ हैं और वो साथ दे रहे हैं, और इस पर कोई भी विधायक जेजेपी का बीजेपी का कोई भी लीडर आता है तो हमारे गांव की बदनामी है जी। और कुछ लोग इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जोगीराम ने ऐसा ही किया, वो अपने फेसबुक अकाउंट में उसने डाल दिया और ये कर दिया कि मेरा हल्का गिरा है, हल्का बरवाड़ा के अंदर कोई विरोध नहीं है किसानों के अंदर, मैं इन कामों का दौरा किया, जबकि दो तीन कामों का उसने दौरा नहीं किया, सिर्फ डाबड़ा की गलियां देखने आया, आके 4 फोटो खिंचवा गए और उसने फेसबुक पर डाल दी। क्या जानकारी दे सकते हैं कि किसके घर पहुंचे थे या किसके बुलाने पर पहुंचे थे आपको अंदाजा? वो हमारे गांव की फिरनी बन रही है तो फिरनी पहुंच गए थे, हमारे गांव की एक दो लोग थे जो उसके साथ थे, उनसे रास्ता वगैरह वो साथ ही रहते हैं, वहाँ सर्विस करते हैं उसके पास, ठीक है, उनको उसने साथ ले लिया, उनसे रास्ता पूछ लिया। तो क्या अब आप लोगों ने उन्हें कोई सजा सुनाई है या कुछ उन्हें जो है आगे के लिए कुछ सुनिश्चित का मैसेज देंगे? हमारा सरपंच आएगा, हम 5-4 बंदे जो उसके कार्यकर्ता है वो भी जाएंगे, उसको समझा के आएंगे गांव में हमारे इस मुद्दे पर कभी ना आए, आंदोलनकारी सभी है हमारे गांव को भटकाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर फिलहाल मौजूद है जिनके ऊपर ये मामला है जी, एक बार उन्हें बुलाइए, चले गए जी। और उसके अलावा आंदोलन कार्यकर्ताओं के साथ है, उनके साथ है, क्योंकि हमारे भी कर दिया गया है ऐसा कुछ सुनने में जानकारी। पूर्व पंचायत मंत्री चौधरी कमल सिंह स्टार्टिंग से आंदोलनकारी, ये हमारे अध्यक्ष इस चीज के स्टार्टिंग ये संभाल रहे हैं, पूरा गांव इनके साथ है। सरपंच ने तो अपनी गलती मान ली के वो उसके जोगीराम ने उसको बताया कि काम आए तो मैं चला गया, मेरे को काम वालों को बताना चाहिए था कि वो सरपंच यहाँ जोगीराम आया हुआ है, वो बता देता तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इस गलती को उसने मान लिया, इसलिए काम ने उसको माफ कर दिया और आगे के लिए उसको सचेत कर दिया कि ऐसा काम ना करे। सर इन्हें जो है आज से कुछ समय पहले सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्या ये किसानों के मुद्दे में समर्थन देने की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया या अन्य कोई कारण? ये हमारी गांव की राजनीति है, सस्पेंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये था गांव डाबड़ा का मामला, जहां पर आज पंचायत की गई थी, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को गांव में आना वर्जित है, उन्हें यहां से बहिष्कार उनका कर दिया गया है। और कल जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग जी यहां पर पहुंचे थे, और उसके आने पर ही गांव में यह बवाल मचा। हालांकि जो है थोड़ी सी गहमा घूमी भी पंचायत के अंदर दिखी, मगर हाल जो है फैसला एक ले लिया गया है कि आज के लिए किसी को सजा नहीं दी जा रही है, मगर आइंदा से अगर कोई भी गांव का व्यक्ति किसी भी बीजेपी या जेजेपी नेता को बुलाता है या उसके साथ गांव में दिखाई देता है, तो उसका शायद हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा या उसे कोई बड़ी सजा दी जाएगी। ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी पिक न्यूज के साथ।